हेलो गाइस, वेलकम टू द जेमिनी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम और कैप्टन मार्वल के बीच के डिफरेंस के बारे में कि ये न्यूज़ किसने दी और ये ऑफिशियल कंफर्म है या नहीं। तो सबसे पहले अपने चैनल के अपडेट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि मेरे एग्जाम के चक्कर में वीडियो टाइम से प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी। और देन अप्रैल के महीने में मैं धमाके करने वाला हूं स्पेशल आप लोगों के लिए, और मेरे चैनल का ये अपग्रेड वर्जन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी, बट अभी मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ये अप्रैल में होगा। तो फाइनली बात करते हैं कि एवेंजर एंड गेम और कैप्टन मार्वल के बीच में 23 साल का फर्क है। अब आप कहोगे 23 साल का क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद एवेंजर एंड गेम की 4 साल के बीच का गैप है, और देन कैप्टन मार्वल और एवेंजर एंड गेम के बीच में 23 साल का फर्क है। जी हाँ, और ये न्यूज़ कन्फर्म करी है केविन फाइगी ने। उन्होंने खुद ये इंटरव्यू में बोला डेडलाइन ऑथर में कि हाँ, ये एवेंजर एंड गेम और कैप्टन मार्वल के बीच में 23 साल का फर्क है। आप डिफरेंस उनके कॉस्ट्यूम से भी पता कर सकते हो। तो ये है कौन सा पार्ट, जो कि मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डाला था। और ऑफिशियली जो कैप्टन मार्वल ने कॉस्ट्यूम पहना है कैप्टन मार्वल मूवी में, आप उसके कॉस्ट्यूम और उनके बालों पर और उनके स्टार पर आप बिल्कुल डिफरेंस करके देख सकते हो। तो हाँ जी हाँ, ये है वो अपडेट। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। और कल वीडियो 8 बजे। बाय बाय, जा रहा हूँ।